पीसम कैसे पे आके हमारा कहीं पर आओ वानिया पीसम ये तुम्हें मिल जाएगा ले चल ले भैया मैं तो ले ही जाऊं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। कैसे आप लोग मेरे सब खैरियत से होंगे। आप लोग बोल लोगे भाई इतने दिनों से कहाँ गायब थी, तो मैं यहीं थी लेकिन थोड़ी सी बीमार थी जिसकी वजह से जो है वो आप लोगों से मैं कनेक्ट नहीं हो सकी। आज जो है ना वो मिलकर आएंगे मेरे घर के पास जो है वो एक छोटी सी मंडी लगी है, तो मैंने कहा पूरे जो एरियाज में जो मंडी लगी है उसके रेट्स आपको बताया क्योंकि रेट जो है इस वक्त बहुत हाई फाई चल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो यहाँ मंडी मौजूद है, मैं मौजूद हूँ इस वक्त अबुल अस्फानी रोड पर, बिग बाय एक स्टोर है उसके बिल्कुल अपोजिट जो है ना वो ये मंडी लगी है इकरा फेस टू के बराबर में। तो यहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के पहले हम लोग रेट लेते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर जो है ना किस रेट पर जानवर मौजूद है। तो चले चलते हैं आप सब जो है ना वो यहाँ पर जो जो लोग अपने जानवर लेके मौजूद है उनसे रेट लेके आपको बताते हैं। भाई सबसे पहले जब हम एंटर हुए तो अली भाई हमारे साथ मौजूद है। और अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? थोड़ा लाउडली बोलिएगा क्योंकि माइक होता है, छोड़ कर आ गए। कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आपके जानवर मौजूद हैं? जी पर्सनली आपने पाले हैं, कहाँ रखे, कहाँ से लेकर आए? असल में हमने हमारी परचेजिंग जो है वो डिफरेंट जगहों की, कुछ पंजाब से भी है। अगर तो आप लेकर आएंगे जी जी। अच्छा ये बताएं मंडी के जो रेट चल रहे हैं, जैसे अभी नॉर्दर्न बाईपास है और भी बहुत सारी मंडी है, बहुत महंगे जानवर हैं, तो इसका काफ़ी क्या रेट है और यहाँ के क्या रेट चल रहे हैं मंडी? इस मंडी के रेट अगर आप नॉर्दर्न के हिसाब से देखते हैं, मेन जो मवेशी मंडी है उसके हिसाब से आगे रेट है। और हमारा जो काम करते हैं, जो मेन पर्पज़ है ना वो यही है कि हम लोग कम रोजी के अंदर कम और हमारी नियत ये होती है ज़्यादा कुर्बानी से ज़्यादा अभी रोलिंग करें। अच्छा हम आपके जगह जानवर देते हैं, जहाँ जहाँ आपके जानवर रहेंगे और रेट आप अगर बताना चाहें, डिस्क्लोज करना चाहें तो आप बता दें। इसके पूछेंगे वो बता ठीक है। तो पहले हम चलते हैं अली भाई के जानवर देते हैं। सारे अच्छा ये बच्चिया है जी। अच्छा दो दांत है, चार दांत है, क्या ये है? दो दांत बच्चिया है, चालीसानी। सही जी। दो दांत और क्या इसकी जो डिमांड कर रहा हूँ? हाँ। मैं 350 कर रहा हूँ। 350 कर रहा हूँ। तो मतलब क्या इसके मतलब वो क्या बोलते इसको रेट नहीं, इसकी वजन वगैरह जो है वो कितना? अच्छा, कहते हैं ना कहते हैं सर अगर लाइव वेट आप देखेंगे ना तो इसका लाइव वेट अप्रॉक्स जो है वो 11 मन के आसपास है। सही। मतलब 440 केजी। हाँ, कितने मन गए? 440 केजी के करीब ना। और अगर आप इसका मीट वेट देखते हैं तो मीट वेट के अंदर ये तकरीबन 5.5 मन निकलेगी। सही है ठीक है। और वो पीछे भी ये एक जैसी लग रही है मुझे जी, ये पेयर है। अच्छा पेयर है जी, इन दोनों का पेयर है जी जी। इन दोनों का जो पेयर का जो डिमांड है मेरी वो 7 लाख है। 7 लाख। और दूसरा जो है वो ये वाला है आपका जी, ये कौन सी नस्ल है? ये भी चालीसानी है। सही है, ये दोनों भी बच्चे चालीसानी है हमारे। अच्छा और ये इसकी क्या मांग रहे हैं आप? इसकी मैं डिमांड 2 लाख रुपए कर रहा हूँ। 2 लाख जी। और दांतों में 2 है और वेट इसका अप्रॉक्स जो है आप लगा लेंगे 3.5 मन का। 3.5 मन का। पीछे भी आपके खड़े हुए जानवर जी? अच्छा वो सिंह का है मेरे खाते जो है, वो सिंह का है जो पीछे खड़ा हुआ है जी जी। सही है। ये वाले जो है ये थोड़े से इसमें 2-3 दाने जो हमारे सिंह के भी हैं। सही है ठीक है। अच्छा सिंध के जो जानवर हैं उनकी क्या कीमत चल रही है अभी? वो डिफरेंट है, जैसे आप अगर यहाँ से देखेंगे अगर जूम करते हैं वो जो ब्राउन एंड ब्लैक फेस वाला खड़ा हुआ है इसकी मैं डिमांड कर रहा हूँ 150 जी। सही। ये जो दो दांत है जी जी, सारे दो दांत हैं, चार दांत कोई भी नहीं इनमें, जितने जानवर हमारे पास सारे दो दांत हैं। सही, ये बहुत गुस्से वाले हैं पाकिस्तान। सही है। असल में अभी जगह थोड़ी सी चेंज हुई है, ये हमारे फार्म पे रहते हैं। अच्छा सारे जानवर जो है हम फार्म पे तैयार करते हैं, लेने के बाद फार्म पे रखते हैं जी जी जी। अच्छा ये बताएं कि भाई ये शौक कैसे पैदा हुआ? बड़ा मुश्किल है जानवर संभालना। जानवरों का शौक बचपन से था और ये है कि मैं खुद बिजनेस स्टूडेंट हूँ, मैंने अपना बीबीए कम्प्लीट किया था, सीधा मास्टर मास्टर्स कर लिया, तो शुरू से थोड़ा बिजनेस माइंड था, तो इस वजह से शौक का मैं बदल गया। करना शौक के ऊपर बहुत खराजात बहुत ज़्यादा पड़ती है। सही ठीक है भाई। आप यहाँ पर आपको बता दूँगी भाई आप यहाँ पर आए अली भाई यहाँ पर मौजूद है, रेट इन्होंने आपको बता दिया, बाकी भी आप कर ही लेंगे जो भी होगा। जाहिर सी बात है ऐसा ही है, इसमें आपने रेट बताया सारे रेट में एप्लीकेशन है। चलिए ठीक है, थैंक यू अली भाई आपका। अब आगे चलते हैं आपको इस मंडी में और मजीद जानकर दिखा। यहाँ पर बहुत सारे बकरे मौजूद हैं और जो है ना वो यहाँ पर हर साइज़ के और हर तरह के बकरे मौजूद हैं। मैंने ना बस पिंक कलर का नहीं है बकरा, बस पिंक कलर का बकरा नहीं है, ब्लू कलर का भी नहीं है। अच्छा और ना इतने मासूम से ना मैं आपको दिखाऊंगी, 24 साली जो बैल है ना वो मौजूद है, आपने देखा भी होगा। बकरों में बैल कहाँ से आ गया? बैल भी दिखाऊंगी ना बकरे।
आप बोलोगे मुझे कैसी लगी असल में ना, मैं नीचे उतरी नहीं, आप बताया कि तबीयत भी खराब थी, तबीयत खराब थी इसलिए मैं आप लोगों से जाना बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाई थी। अच्छा मैं आप लोगों से कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, प्लीज़ आप देखें और देखने के बाद लाइक करें। आप लोगों के सपोर्ट के बगैर मैं आगे नहीं जा सकती। मैं चाहूँगी कि मैं जल्द से जल्द अपने जो सारे व्लॉग, मैं रोज़ चाहती हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्या होता है जब मैं कोई व्लॉग बनाती हूँ, जब मैं कंटिन्यू बनाना शुरू करती हूँ उसके बाद मैं तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं बीमार हो जाती हूँ, मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो आप लोग दुआ भी करें कि मैं कंटिन्यू रखूं। और ये जो मेरी आपको यार शक्ल नजर आ रही है ना, तो मैं नीचे उतरी थी बस ऐसी, तो फिर मेरा प्रोग्राम बन गया कि चलो यार बराबर में व्लॉग बनाने चलते, इसलिए मैंने मेकअप शेकअप कर लिया, मैं ऐसी आ गई। और ये भी मेरे साथ चिपक कर आ गया भी सब। तो यहाँ पर बहुत सारे बकरे मौजूद हैं, इसके अलावा जो ना आगे जो बकरे हैं ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन इतना नवाब है कोई, ये नहीं है वो, हाँ वो आगे वो इतना कोई नवाब है कि अभी तक खाना खा रहा है, उसका खाना ख़त्म नहीं हुआ। तो वो मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ फिर देना। और अभी हम लोग आए थे यहाँ पर तो बिल्कुल रश नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बहुत ज़्यादा रश यहाँ पर बढ़ गया है, और जो है ना करीब है तो लोग देखते आ रहे हैं कि उनकी अगर रेंज वो बन जाएगा तो ले लेंगे। और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बिल्कुल भी। और जो ना वो कल मैं अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी, आज आप मेरा ऐसे ही मुंह देखेंगे। उम्मा पीछे से बकरा मुझे लात मार रहा है, कैमरा मैंने बहुत खराब है, बकरों से और गायों से बहुत डर लग रहा है, बार बार कैमरा हिला हिला के जो है वीडियो बनाइए। तो बाहर चलते वो टक्कर भी ऐसी टिका टिका के मार रहे हैं ना, मजीद आपको दिखाते हैं। चलो हेलो देखो जरा क्या कर रही है, अस्सलाम वालेकुम, ये देखो अरे क्या कर रही है, हेलो क्या हो गया था भाई, मामी क्या कर रही है, कौन है चमन, चलो चल यहाँ से कैसे निकलेंगे, बाबा अली भाई को बुलाना पड़ेगा। नहीं नहीं हम मैं कोशिश कर रही हूँ तो हम बाहर निकल लो, आप जाए। ओहो बच्चों को देखो, कहाँ से आयो आप लोग, कहाँ से आए बच्चों, कहाँ से आयो, कहाँ से आए, मुझे यहाँ घर नहीं पता अपना, कहाँ से आयो, घर नहीं पता अपना, करीब रहते हो, करीब रहते हो यहाँ पर, हाँ पैर ऐसे यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ पे क्या करना है, गायों को छेड़ने आए, छेड़ने आए सब, अभी छेड़ेंगे देखो दोबारा छेड़ेंगे, अभी छेड़ेंगे एकदम, टमाटो आगे से जरा इधर आगे से हटो, नहीं आगे से हटो, देखा बाहर आ जाएगी निकल के, नहीं तंग करो, ये देखो देखो इसे कर क्या रहे हैं, कोई बकरे को बस इसम का तो वो आ जाएगा उसमें, इसम क्या कर रहे हो जब देखने इसके हाथ, ये करीब करके दिखाओ क्या कर रहे हो, सजा है बेचारे को, सजा दे रहे हो फालतू, ना मासूम होते ना जानवर। अच्छा यहाँ पर मंडी में ना मैंने अभी जब बकरे देखे, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बकरा जो है ना खाने वाली हाइट देखिए इसकी, और बहुत ज़बरदस्त है हाइट, वजन में आप देख सकते हैं कितना, कोई कितने दांत का है, छः दांत का है, भाई खाना खाने में बड़ा टाइम लगा दिया, इससे आपको पता है इससे हमें वेटिंग में रखा, हम कितनी देर से जो है वो यहाँ पर खड़े हुए थे और इसका इंतजार कर रहे थे कि ये खाना खा ले, तो इन जनाब की हम वीडियो बनाएं। क्या खाते हैं, कोई स्पेशल नहीं, बस असल में पाला है, पाला है, अच्छा माता बांटता है लग रहा है, शक्ल से बड़ा गुस्सा वाला है मुझे, तो बच्चे छेड़ते हैं आपको पता है कराची में, बच्चे छेड़ते हैं, कराची में बच्चे छेड़ रहे, तो जान में बोलते हैं कि हम कहाँ आ गए, मतलब ये जो कोई ये सोच रहा था हम कहाँ आ गए, कुछ बच्चा हम चार्ट आ गए, ये भी कराची वाला है, अच्छा कराची वाला है, मतलब इसका आदत होगी ना इससे भी, बस यही बात है। अच्छा बताइए क्या डिमांड कर रहे हैं आप, 3.5 लाख क्या वजन है बकरे का, वजन 2 महीने से ऊपर, और अगर आप इसकी नस्ल के बच्चे बजाएँ तो उसका बच्चा 45 लाख, जो तो एक महीने का बच्चा 45 हुआ और 3 साल पाला है, अरे 3 साल बाद ही क्यों ख्याल आया कि आप इसको भाई सेल आउट, नहीं नहीं मैंने इसके ऊपर अपना पूरा शौक, इसके साथ जो भाई है वो कार्य वो कुर्बानी करेंगे, अच्छा अच्छा मतलब जो है वो ये इसके और भी आपके पास है घर में रखे हुए आपके सारे, तो फिर यहाँ पर भाई कैसे सोचा आपने लाने के लिए, यहाँ ले जाते करीब करीब रहते हैं, आप करीब रहते हैं, अच्छा ये सारे बकरे आपके घर में रखे हुए आपके, ये तो मैं परचेज करके लाया हूं, ये पाला ये हमारे पाले में भाई, बहुत अच्छा। अच्छा कितने टाइम खाना वाना खाता है भाई, लेके जाने के बाद कितना खर्चा आएगा इसको, अगर लेके जाएंगे तो कितने दफा खाना खिलाना पड़ेगा, ये भी तो बताएं आप, दो टाइम खाना खाता है, एक टाइम घास, वही जो नॉर्मल बकरे खाना खाते हैं खाते भाई, मैंने आपको दिखाया इस वक्त सबसे बड़ा जो है ना वो बकरी का यहाँ मंडी में जो है सबसे बड़ा बकरा है, और उससे काफी तेज है ऐसे पकड़ा हुआ, तो अभी इनको संभला हुआ है, तो यहाँ पर आप आए विजिट करें, और यहाँ पर जो है वो आप इसको थोड़ा चाहिएगा लेकर आइएगा, चला लगी भी
छोटी सी मंडी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर आके विजिट करें ना तो बहुत सारे जानवर मौजूद हैं यहाँ पर, बकरे भी बहुत सारे मौजूद है। इतनी महंगाई हो गई कि आजकल जो है ना वो बकरे भी बहुत महंगे हो गए, लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे बकरे मौजूद है तो हम चाहेंगे कि ना उनके रेट ले लें, क्योंकि बकरे बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। मैंने भी पूछा, छोटे छोटे बकरे जो है वो 40,000-30,000 इस तरह के हो गए, तो बहुत सारे बकरे यहाँ पर मौजूद हैं, आगे भी बहुत सारे बकरे मौजूद हैं, तो हम उनके रेट लेते हैं और आपको बताते हैं। और अगर रिजनेबल होंगे यहाँ पर तो आपने आके यहाँ का जो है ना वो क्या करना है, विजिट लाजमी करना है। और बच्चों की वेकेशन हो गई है तो मेजॉरिटी में बच्चे जो है ना वो यहाँ पे पाए जाना, हर बच्चा जो है ना वो एक तो अपार्टमेंट से करीब है तो सारे बच्चे जो है वहीं रहते हैं। आज देखो अभी इसकी अकेले डली हुई क्योंकि इतना मासूम है, और देखे मंडी में कितने बच्चे आए हैं, उनका जितने सारे जाने का उतने शरारती शरारती बच्चे सारे, बहुत शरारती हुई है बच्चिया बच्चिया बच्चे तो पंखे देखो बकरे से ये बकरा लड़ रहा है, बैठ गए सब थक गए। हाँ भाई, और उसके बाद जो है ना सलमान भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सलमान भाई के मैंने देखा बहुत प्यारे हैं और मासूम जानवर हैं आपके, और खूबसूरत बहुत है। मंडी में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया ना वो इन्हीं के जानवर आए, क्योंकि जब मैं एंटर हुई तो मेरी भी नज़र इनके ही जानवर में पड़ी। बहुत चोलिस्तानी सारे तकरीबन, हाँ बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे चोलिस्तानी जानवर हैं, मासूम बहुत है, कुछ भी नहीं कह रहे, वो जैसे पसंद होते ना लोगों को वैसे ही जानवर हैं। भाई पाले हैं या लेकर आए हैं? कुछ मैंने इसमें पाले हैं, घर के पाले हैं, बाकी जो है जगह पर है मेरी वहाँ पे पाले। अच्छा, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इसे घर में पाले? नहीं, उसको पाला है वो सबसे पहले। अच्छा, एक साल पाला है। एक साल पाला है आपने, तो ये मुझे बताइए कि कैसे शौक पैदा हुआ भाई? ये काम बड़ा मुश्किल है करना, बचपन से शौक किया हुआ आपने? बचपन से जानवर। अच्छा, मुझे अब आपने जानवर और साथ साथ डिमांड भी बताते रहे, आप क्या अलग अलग है? बाहर जो है ना वो महंगा है। देखिए रेट तो डिमांड कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लोगों को ज्यादा लग रही है, लोगों को ज्यादा लग रहा है, वो अलग चीज है, वो बिल्कुल अलग चीज़ नहीं। लेकिन उससे महंगा हो गया जानवर, जैसे होते हैं अमूमन हर जगह महंगाई, हर चीज़ तो महंगाई महंगाई। ठीक है, अच्छा ये वाला जानवर बहुत अच्छा, आप मुझे बताइए इसकी क्या मांग है? मेरी इसकी आस्किंग जो है वो है तकरीबन इसकी 420 की आस्किंग। 420 की दांत दो है जी। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा है और हैवी जानवर है, मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छा जानवर है ये। और ये मुझे ऐसा लग रहा था दोनों भाई ऑलमोस्ट है ना। हाँ, और इसकी भी वही प्राइस है? हाँ तकरीबन सेम है। और ये वाले जो है 450 वाले, 450 के माशाल्लाह, ये जो ना हैवी जानवर। अच्छा ये आज आए क्या? नहीं ये मेरे पास पुराने, खड़े होंगे ये दम खड़ा करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह जो है ना हैवी जानवर है और बहुत अच्छे जानवर ही देखा। और चोलिस्तानी तो आपको पता है वैसे ही बड़े ज़बरदस्त होते हैं, उनकी नस्ल ऐसी होती है कि जो ना अगर आप इनको जितना पालेंगे खिलाए पिलाएंगे तो उनकी जो है ना वो ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होती रहती है। ये देखिए यहाँ से। अच्छा जो आपके घर में पाला है वो देखिए, आए चलते हैं हम लोग। ये भाई मैंने घर में पाला है एक साल और थका हुआ है, मुझे लग रहा है सोने का नहीं था, वो खड़ा ही नहीं हो रहा, नींद आ गई इसको। हाँ थक गया है, चले रहने दे, अगर थक गया है तो ओए चल भाई, इन्होंने खड़ा कर दिया इसको, थका हुआ है ये, थक गया खड़ा हो तो गया ही। अच्छा इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप घर में पाला हुआ है? मेरा 490 कर रहे हैं। अच्छा मतलब फिक्स है रेट या ऊपर नीचे जाएंगे? कुछ कम हो जाएंगे। तो भाई सलमान भाई का जो है वो उन्होंने जो अपने जानवर है वो यहीं पर आप एंटर होंगे, गेट से एंटर होने के बाद जो है ना सेकंड जो है उनके लगे हुए जानवर दूर से ही आपको नज़र आ जाएंगे, क्योंकि सबसे खूबसूरत जानवर जो है ना वो यहाँ पर यही है। मुझे बहुत प्यारे लगे, बहुत अच्छे, और वज़न के हिसाब से भी, खूबसूरती के लिहाज से भी, और मासूमियत के लिहाज से भी बहुत अच्छे। तो आपने आना है, विज़िट करना, और जानवर लेने का अगर आपका इरादा है तो यहाँ से आकर आप ले सकते। आपको आज का ब्लॉग जो है ना वो पसंद आया होगा, आपने विजिट करना है तो आपने करना है बुलसवानी रोड पे, बिग बाय स्टोर है उसके बिल्कुल अपोजिट जो है ना वो ये मंडी लगी हुई है, और रेट तो आपको पता है हर जगह के हाई है, लेकिन जो है वो इनकी लड़ाई शुरू हो गई है, वो शायद उसको खोलने का नहीं खाना। तो आपने यहाँ पर आना है, आने के बाद यहाँ पर विजिट करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और याद रखिएगा जब तक आपको सपोर्ट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ज़रूर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, और ये दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत सही रहे, मेरी तबीयत डाउन हो जाती है जिसकी वजह से ब्लॉग जो है ना वो कंटिन्यू
निशान रहे, आप आ रहे अपने प्यारों के साथ दोबारा मुलाकात होगी।